एवरीवन, क्या आपको पता है ये कौन सी लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज है संस्कृत। और क्या आपको ये पता है ये कौन से स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ये हो गई जीके की बात, अब चलते हैं यहाँ के सिविल जज के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा पांडे एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलेक। आज मैं फिर से आई हूँ हमारी सिलेबस एक्सप्लेनर सीरीज के साथ, और जो स्टेट में टेकअप करने जा रही हूँ वो है उत्तराखंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की। यहाँ का सिविल जज का एग्जाम 3 स्टेजेस में होगा। द फर्स्ट राउंड विल बी प्रिलिमिनरी, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, और फाइनल राउंड होगा इंटरव्यू। अब इन स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम पे। इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैटर्न और सिलेबस। तो पहले हम पैटर्न देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ का जो एग्जाम है उसमें एक ही पेपर होता है प्रीलिम्स में, लेकिन वो एक पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक पार्ट जनरल नॉलेज का होगा और दूसरा पार्ट लॉ का होगा। साथ ही साथ यूजुअली सारे प्रिलिमिनरी एग्जाम 2 घंटे के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जैसे हर प्रिलिमिनरी एग्जाम में होता है। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जैसे मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट जीके का 50 मार्क्स का है, दूसरा पार्ट लॉ का है 150 मार्क्स का। तो इन टोटल 200 मार्क्स का होगा यहाँ का प्रीलिम्स। तो अब चलते हैं जीके के पार्ट पर, उसे इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो जीके का जो पार्ट है पार्ट वन, उसमें ये सारे इवेंट्स आपको मिलेंगे, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, डे टू डे इवेंट्स अराउंड इंडियन एंड वर्ल्ड। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्पेशली लॉ से रिलेट करके, इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस होंगे, न्यूट्रलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे, और जो भी लॉ की फील्ड में रीसेंट लेजिस्लेशन और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कोई नया लैंडमार्क जजमेंट आया, कोई अमेंडमेंट हुआ, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ तक कन्फाइंड नहीं रहेगा, इससे भी ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो सकता है क्वेश्चंस पूछने का। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, जो कि है पार्ट टू लॉ का पार्ट। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ दैट इज फैमिली लॉ, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तीनों प्रोसीजर लॉस और इंडियन पीनल कोड से। तो ये हो गया प्री का सिलेबस। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे, जो कि है मेंस का राउंड। इसे अगेन मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैटर्न और सिलेबस। यहाँ का पैटर्न पहले देख लेते हैं क्या होगा। डिस्क्रिप्टिव नेचर का एग्जाम होगा यहाँ का, और टोटल जो पेपर है वो होंगे 6। अब पेपर क्या क्या है आइए वो देख लेते हैं, कैसे डिवाइड किया है इन्होंने। एक पेपर होगा प्रेजेंट डे पे, दैट इज जीके एंड ऑल से रिलेटेड। दूसरा लैंग्वेज का पेपर होगा, फिर लॉ का थर्ड पेपर है लॉ पेपर वन सब्सटैंटिव लॉ, फिर लॉ पेपर टू प्रोसीजरल एंड एविडेंस, और लॉ पेपर थ्री रेवेन्यू एंड क्रिमिनल लॉ, और फिर एक पेपर होगा कंप्यूटर्स का। अब चलिए इनको भी डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले आते हैं पहले पेपर पे, जो कि जनरल नॉलेज का या प्रेजेंट डे का पेपर होगा। सबसे पहले तो मैं इसके मार्क्स बता दूं, इसके मार्क्स होंगे 150। अब इसमें क्वेश्चंस इनसे रिलेट करके आएंगे, इंडिया एंड वर्ल्ड प्रेजेंट सिनेरियो स्पेशली इन लीगल स्फीयर। ये आपसे क्वेश्चंस तो पूछेंगे जो भी इंडिया में या लीगल फील्ड से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उनसे रिलेट करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लॉ में जो भी करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेजिस्लेशन से रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड, जजमेंट से रिलेटेड, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, वो इन सब्जेक्ट से रिलेट करेगा। ज्यूरिसप्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, न्यूट्रलिटी, रीसेंट लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फिर उन्होंने ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन की है कि अगर आपका एक्सप्रेशन अच्छा होता है, आपका सब्सटेंस अच्छा होता है, तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे, वो तो मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपका एक्सप्रेशन बैड है तो वो आपके मार्क्स डिडक्ट भी कर लेंगे। तो आप उस अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लिखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, जो कि है लैंग्वेज पेपर। ये पहले मैं बता दूं कि 100 मार्क्स का होगा, और इसका बाइफिकेशन इस तरीके से हुआ है। पहले आपको लिखना होगा पैसेज इंग्लिश से, उसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, ये 30 मार्क्स का होगा। फिर आपको हिंदी का पैसेज ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, अगेन 30 मार्क्स का होगा, और प्रेसी राइटिंग करना होगा। प्रेसी राइटिंग इज बेसिकली समराइजेशन, एक डिटेल में दिए हुए पैराग्राफ को आपको शॉर्ट में कन्वर्ट करना होता है, वो आएगा 40 मार्क्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे, जो कि है लॉ पेपर वन। ये सब्सटैंटिव लॉ का पेपर है और ये 200 मार्क्स का होगा। इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, इक्विटी ट्रस्ट और ईजमेंट, लॉ ऑफ ट्राउट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और फैमिली लॉ, दैट इज हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, जो कि है पेपर टू। वैसे तो ये 4th पेपर है, लेकिन लॉ का पेपर टू है। ये प्रोसीजर और एविडेंस से रिलेट करेगा और 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट से, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करके जाइए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ, जो कि है पेपर 3 लॉ का।
इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्रिमिनल रेवेन्यू और लोकल लॉ से, अगेन ये 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको आईपीसी से क्वेश्चंस मिलेंगे और लोकल लॉ से, जो कि है यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट एज एप्लीकेबल टू उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड का एग्जाम है तो जो वहां पर एप्लीकेबल होगा उससे रिलेट करके ही ये क्वेश्चंस पूछेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। ये है बेसिक कंप्यूटर का पेपर, ये 100 मार्क्स का होगा और इसमें मिनिमम आपको 40 मार्क्स स्कोर करने होंगे। जब तक आप इस पेपर को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपके बाकी के पेपर्स को चेक नहीं किया जाएगा। इसका सिलेबस इस तरीके से, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेंगे। पेपर शैल बी गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेबस, एक या एक से ज्यादा एक्शन इनसे इन टॉपिक से रिलेट करके पूछा जाएगा। विंडोज एंड इंटरनेट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। ईच क्वेश्चन शैल हैव 5 एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम। इन सबसे आपको 5 एक्शन ईच से परफॉर्म करना होगा सिस्टम में, और हर एक्शन के 4 मार्क्स होंगे। जो भी आप एक्शंस परफॉर्म करोगे उसका प्रिंट आउट लिया जाएगा और उससे आपका ये पेपर इवेलुएट होगा। तो ये हो गया कंप्यूटर का पेपर। अब चलते हैं लास्ट राउंड पे, फाइनल राउंड पे, जो कि है इंटरव्यू का राउंड। ये 100 मार्क्स का होगा और ये बेसिकली आपके जनरल और सोशल आउटलुक को यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, आपके एकेडमिक नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी टेस्ट। और आप उत्तराखंड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस स्टेट के बारे में सारे स्टैटिक और करेंट इवेंट्स पढ़ के जाइए। तो ये था मेरा वीडियो उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ये हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें से किसी के भी थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।